नहीं रुकेगा मेरे हाथ से, इधर कहीं भी नहीं रुकेगा ये, दूर जाने नहीं दे रहा, दूर जाने नहीं दे रहा, पास ही आ जाता है जल्दी ये, हाथ पे आके बैठ गया, बैठा दिया उधर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने के बच्चे को आज जो हम बाहर लेके आए हैं और काफ़ी उड़ने के लायक भी हो गया और काफ़ी आवाज़ें भी कर रहा है, तो बाहर लेके आए हैं इसको और मौसम भी काफ़ी प्यारा है, ठंडी ठंडी हवा है, तो इसको एक छोटी सी फ्लाई देते हैं और देखते हैं कि वो क्या करता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता, ट्राई करते हैं। तो इसको जो है तो इधर नीचे उतार देंगे, इधर बिठा देंगे इसको, बैठ जाओ इधर, तो इसको इधर नीचे बिठा दिए और देखते हैं, ट्राई करते हैं आता है कि नहीं आता, ये आता है और काफ़ी अच्छा उड़ता है, मैंने कहा था इतना उड़ नहीं पाएगा लेकिन उड़ता है सही अच्छा खासा। तो इसको थोड़ा सा खाना देते हैं, एक दो मकड़ जो है तो वो पकड़ के देते हैं और फिर इसको जो है तो फिर फ्लाई लंबी करवाते हैं। तो हमें एक दाना मिल गया ये वाला, एक दाना मिल गया और ये इसको खिलाते हैं और ये खा लिया इसने सारा, और साथ साथ जाते भी जाएंगे और इसको पकड़ के देते भी जाएंगे। तो फ्लाइट एक छोटी सी करवाते हैं इसको भी, दूसरी ऊपर ले के जाते हैं, इंशाल्लाह उड़ेगा और अच्छा खासा उड़ेगा। तो इधर बिठा देते हैं इसको, लेकिन ये अभी नहीं रुकेगा मेरे हाथ से, इधर कहीं भी नहीं रुकेगा, ये पाँव के नीचे ना आ जाए, तो जाते हैं दूर इससे। ये आ गया, ये आके बैठ गया पास ही, तो फिर से दूर जाने नहीं दे रहा, दूर जाने नहीं दे रहा, पास ही आ जाता है जल्दी, तो ये जो है दूर ही जाने नहीं दे रहा और पास ही कोई भी आवाज़ करें, लगता है कोई शिकरा बादशाह वगैरह आया, बादशाह तो फिलहाल इन दिनों में नहीं होते, खैर शिकरा होगा, शिकार वगैरह करने आया होगा, बच्चे हैं ना इन दिनों में, तो मेरे पास इसलिए। तो इसको इधर बिठाते हैं, इधर बिठाते हैं, लेकिन ये पाँव में आ जाता है, नीचे पाँव पे आ जाता है, तो मैंने इसको इधर बैठाया और इससे दूर जाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि ये थोड़ा दूर होने दे और ना आए जल्दी, तो ये नहीं जाने दे ही नहीं रहा, ये दूर जाने ही नहीं दे रहा, तो जल्दी जो है तो उड़ के आ जाता है। एक कौवे भी आ गए, कौवे से भी अभी डर रहा है, ये हाथ पे आके बैठ गया, तो काफ़ी मुश्किल हो रही है, तो जब इसको बिठाती हूँ मैं, तो इधर बिठाती और लगते इधर कोई चीज़ भी मिल गई है हमें, गन तो लगाई है इसकी, फिर ये भी मोबाइल पे आने बैठने शुरू हो गई है, ये आ गया बैठ, काफ़ी प्यारी उड़ान इसने की है अभी और काफ़ी जो है तो बड़ा हो गया, हवा भी प्यारी है, ऊपर कौए भी फिर रहे हैं, ये कौए इतने होते हैं ना कि कोई चीज़ भी पास नहीं छोड़ते मेरे। तो इधर जो है तो बड़ी बड़ी चीज़ें बैठी हैं और ये किधर गया, ये बैठ गया और ये पकड़ लिया मैंने, ये इसको भी दूंगा मैं पूरा का पूरा और ये खाएगा, तो नहीं खा रहा ये, बड़ा खा ही नहीं रहा, देता हूँ आधा करके देते देना है, नहीं खा रहा, खाएंगे इसने, ये पता नहीं इनको कैसे माँ इतने पूरा दे देती है, हालांकि मुझसे नहीं खा रहा।
तो आधा कर लिया मैंने, अभी आधा खाएगा। ये क्यों नहीं खा रहा, लगता है इसके पंजे जो है तो वो इसको नहीं पसंद। अभी खा लिया इसने। तो इधर और भी थे काफ़ी दाने और भी थे, तो अभी आएगा देखते हैं आता है कि नहीं आता। बैठा है काफ़ी दूर, अभी उड़ेगा। वो आया और ये बैठ गया। तो काफ़ी प्यारी जगह है, हमारा इलाका भी काफ़ी प्यारा है, लेकिन आबादी उस साइड पे बहुत ही ज़्यादा होगी, पहले इससे भी ज़्यादा प्यारा था। तो मैंने के बच्चे की एक टिप मैं आपको दिखाता हूँ, कोई बच्चा छोटा ले या किसी से ले या कहीं से भी उसको मिले, तो पहले तो छोटा हो तो उसको सिरी लैग दे, ठीक है। सिरी लैग नहीं दे सकता ना वो, तो उसको वो दे, क्या कहते हैं, छोटे कीड़े वगैरह होते हैं ना वो दे दिया करे, ताकि उनसे ताकत इनको ज़रा अच्छी मिलती है। सिरी लैग इतना ख़ास नहीं है लेकिन वो गुजारा करता है, और कीड़े मकोड़े जो है तो इनकी ख़ास खुराक है, जो कि इसमें तवानाई जो है तो ज़्यादा आती है। तो स्टार्ट में काफ़ी ख्वारी करनी पड़ती है, जब बड़े हो जाए उड़ने पे आ जाए तो फिर भी करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी करनी पड़ती है। और जब फुल बड़े हो जाए ना तो फिर मसला नहीं है, फिर तो खुद खाते भी हैं। आप साइड पे खुराक डाल दिया करो, घर में कोई भी चीज़ वगैरह हो वो भी खा लिया करेंगे। और जो है तो इनका जो माहौल है ना वो गर्मी थोड़ा सेट हो जाया करेगा, घर में ऐसे सेट है ना कि बच्चे वगैरह भी होते हैं, एक पिंजरा बंदा इस तरह ले ले कि उसमें इसको रखे, ठीक है, स्टार्ट में ही रखे, जैसे उड़ने पे आए तो उसको रखे, और ताकि ये आदी हो जाए, पिंजरे में आदी हो जाए तो फिर मसला नहीं होता। अभी उड़ान पे आपने वो कर दिया ना, तो मतलब उड़ान पे आपने आदी कर दिया इसको, तो फिर ये पिंजरे में नहीं टिकेगा, फिर आप कहेगा कि मुझे बस आपके साथ ही होना चाहिए, ठीक है, और पिंजरे में डालोगे तो आपने जो नाक है तो वो भी दुखाया होगा। तो बेहतर ये है कि स्टार्ट में इसको पिंजरे में वो करो, आदी करो, खुराक के टाइम पे निकाल लिया करें, तो इतना बात के लिए अच्छा होता है। अब जो है तो लास्ट पॉइंट ये है कि जब खाना पीना खुद करना स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके बाद जो है तो कोई मसला नहीं होता, बंदा किस टाइम फारिग हो तो बाहर निकाल देता है, क्योंकि पर इसके पूरे होते हैं, पर कटे नहीं होते, कटाई नहीं की होती, तो वो बेहतर होते हैं। छोड़ के वापस आ गया, उधर तक गया, तो इसलिए इस टेक्निक से जो है तो बर्ड पालें, ठीक है। कोई मसला हो कमेंट में बता दिया करें, कोई किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, कोई भी शौक हो आपका, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हर चीज़ के बारे में बताऊँगा, और हर चीज़ का पता है, रखा भी है। तो आज तक की जो है तो काफ़ी चीज़ें रखी हैं, कोई ऐसी चीज़ कौए के बच्चे मैंने कभी नहीं रखे, कौए का बच्चा और सारी चीज़ें मैंने रखी है, तो इसी वजह से काफ़ी मज़ा आया। और थोड़ा सा इसको फ्री फायर देते हैं आखिरी, और फिर जाते हैं। बिठा दिया उधर मैंने, अभी खुद ही आएगा। अच्छा ये बैठ जा। तो आज तक जो था इतना ही था, और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचे, और लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे। शो और इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।